गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल विज्ञान विहान पर। आज हम यहां राणा प्रताप सागर देखने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, यहां पर पानी से बिजली भी बनाई जाती है और चंबल पर बना हुआ ये बांध अपने आप में बहुत विशालता लिए हुए है। यहाँ पर बांध के 2 गेट खुले हुए हैं और हमारे साथ हेमंत जी सैनी जो यहाँ रावतबाटा के लोकल निवासी हैं, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार और अच्छे मित्र हैं, ये आपको और अधिक जानकारी देंगे इस बांध के बारे में। हेमंत जी, आप बताइए इस बांध के बारे में कुछ डिटेल्स, कब इसका उद्घाटन हुआ और ये 9 फरवरी 1970 को इसका उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इसका आकर उद्घाटन किया था। इस पर 17 तो ऊपर वाले गेट है और बाकी 4 जो गेट है वो नीचे स्लूज गेट कहलाते हैं। टोटल 21 गेट है इसमें और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। चार तरफ हरियाली और पहाड़ है और यहाँ पर आसपास में घूमने लायक पाडर महादेव जी और पाडर महादेव जी के अलावा काला खेत, जो ओम बिरला जी हमारे जो लोकसभा स्पीकर है उनका एक काला खेत है, वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सेटल डैम है और एक महाराणा प्रताप जी का उनका स्मारक एक घोड़ा बना हुआ है जो सबसे ऊपर, वहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में वो ऊपर महाराणा प्रताप जी का एक घोड़ा है, थोड़ा जूम करके दिखाएं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे महाराणा प्रताप का घोड़े पर बैठा हुआ उनका स्मारक बना हुआ है। एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है जो यहाँ नीचे से भी दिखाई दे रही है। हेमंत जी ने हमको बहुत मित्रों, राणा प्रताप सागर बांध भारत में राजस्थान के रावतबाटा में चंबल नदी पर 53.8 मीटर की ऊंचाई का एक गुरुत्वाकर्षण बांध है या ग्रेविटी डैम, जिसका अर्थ है कि यहां पर पत्थर चुनाई करके इस डैम का निर्माण किया गया है। यह चंबल नदी के एकीकृत विकास परियोजना का हिस्सा है, जिनमें मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध जो कि 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जवाहर सागर बांध जो बूंदी जिले में स्थित है 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य सन 1953 में शुरू हुआ। इसके निर्माण कार्य में 4,065 मिलियन रुपए का व्यय हुआ। इसका ऑपरेशन संचालन वर्तमान में जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा और यहां पर जल विद्युत उत्पादन प्लांट का संचालन राजस्थान राज्य विद्युतीकरण निगम द्वारा किया जाता है। इस बांध की लंबाई 1,143 मीटर है। यह एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है, अर्थात सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से समय समय पर नदियों में आने वाली बाढ़ आदि के नियंत्रण के लिए इस डैम का निर्माण किया गया है। इसकी जल ग्रहण क्षमता 2,898 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 956 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बांध से प्रत्यक्ष रूप से 172 मेगावाट की जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राणा प्रताप सागर बांध का निकटतम रेलवे स्टेशन कोटा रेलवे स्टेशन है, जो यहां से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर के आसपास का हिस्सा भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य का हिस्सा है। यहां पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और सदाबहार वन पाए जाते हैं। राणा प्रताप सागर जलाशय बांध द्वारा निर्मित आर्द्र भूमि पर पक्षी जीवन का प्रसार आसानी से होता है और यहां पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। पास ही में बनाया गया क्रोकोडाइल पॉइंट, जहां पर आप चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि का अवलोकन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु से पाए जाते हैं और इसीलिए ये वनस्पति शास्त्रियों के लिए, प्राणी शास्त्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण का विषय है।
दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि फ्यूचर में आप जब कभी भी इस तरह का अवसर मिलता है तो इस स्थान का जरूर अवलोकन करें और अपनी पिकनिक का आनंद लेने के लिए इस जगह का अवश्य सिलेक्शन करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट अपडेट्स लगातार प्राप्त हों। थैंक यू।